अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और नहीं भाई भी ठीक ठाक है, दुआएं आप सब दोस्तों की। और नहीं भी आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हुआ है किया ऑप्टिमा का। किया ऑप्टिमा नॉर्मल गाड़ी नहीं है, जी हाँ ये हाईब्रिड का मॉडल है, अमेरिकन इंपोर्टेड है। मैं आप लोगों को गाड़ी और गाड़ी की प्राइस डिटेल जो है ना कि गाड़ी के अंदर क्या क्या सिस्टम क्या क्या फीचर लगे हैं सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाने वाला हूँ। तो आज ये वीडियो के साथ एंड तक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी हमें कुछ इस तरह से नजर आती है, जो कि किया ऑप्टिमा का मॉडल है। माशाल्लाह वेरी नीट क्लीन, एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर गाड़ी पड़ा हुआ है, जो कि हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। किया ऑप्टिमा 2012 का मॉडल है, 2012 का मॉडल है, और गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ है माशाल्लाह। खैर, गाड़ी के बाहर से बॉडी में कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है, और ये गाड़ी हाईब्रिड है। यहाँ पे इसके ऑल रिम चेक करें, जो कि बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, वेरी नीट क्लीन कार है, एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है गाड़ी में। और यहाँ पे हमें ऑप्टिमा की ब्रांडिंग मिल जाती है, क्योंकि ये किया ऑप्टिमा का मॉडल है। और यहाँ पे हमें हाईब्रिड का लोगो मिल जाता है, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ये हाईब्रिड के अंदर आया हुआ है। माशाल्लाह जो गाड़ी है ना, एकदम बढ़िया कंडीशन के अंदर है। और इस साइड से हमें गाड़ी कुछ इस तरह से नज़र आता है, जो कि बेहतरीन दिखने में लग रहा है। जो भी गाड़ी आप लोग नहीं बेच खरीदते, तो आप लोगों को तीन चीज़ की गारंटी मिलती है, इंजन, गेयर प्लस चेसिस, तीन चीज़ की गारंटी मिलती है पासिंग की। जो भी गाड़ी मुझसे खरीदते हो, यूए के रूल के कानून के मुताबिक गाड़ियां नहीं भी आप लोगों को पास करके देता है, और क्या चाहिए। खैर, आज इन गाड़ी को अंदर से देख सकेंगे, गाड़ी के अंदर क्या क्या सिस्टम और क्या क्या फीचर लगे हुए हैं। गाड़ी को आप लोगों को अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह, क्योंकि गाड़ी का जो इंटीरियर है माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल, बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे जो हमें नज़र आता है, जो इसके विंडो हैं वो फुली ऑटोमेटिक हैं, लोडेड हैं, और यहाँ पे डिग्गी का और पेट्रोल का जो है हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी सिस्टम है इसका, जो सीट का है ना, सीट आप लोग सेट कर सकते हो, जब ये आदमी गाड़ी में बैठेगा ये ऑटोमेटिकली सीट आगे आ जाएगी और आपको कम्फर्टेबल महसूस होगा। खैर, इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो फुली लोडेड है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ट्रिप सिस्टम, इको सिस्टम, जो कि फ्यूल इकोनॉमी गाड़ियां हैं। यहां पे हमें किया की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल, एवरीथिंग इज परफेक्ट कंडीशन के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, जो कि मोस्ट पॉपुलर मॉडल है किया ऑप्टिमा का। यहां पे इसके अंदर बहुत फीचर और सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं ओरिजिनली, जो कि ऑटोमेटिक गियर इंस्टॉल्ड है भाई। और यहाँ पे इसका जो म्यूजिक सिस्टम है भाई, इसका डैशबोर्ड है वो ना कंपनी बनाती है सेम लाइक जहाज की तरह, जैसा हमारा एरोप्लेन होता है ना भाई, माशाल्लाह। गाड़ी की सीटें लेदर सीटें हैं, और इसके अंदर ये वाला जो कलर है ना, ये वाला, ये डिफरेंट इसलिए है कि ये इसके अंदर हीट सिस्टम भी इंस्टॉल्ड किया हुआ है माशाल्लाह। गाड़ी का जो इंटीरियर है ना, मुझे इसका डैशबोर्ड इतना लग्जरी लगता है ना, गाड़ी भी लग्जरी गाड़ी है सेम लाइक जहाज की तरह, एक एरोप्लेन की तरह इस गाड़ी का जो है ना वो बना रखे है। और बैक साइड से अगर हम लोग गाड़ी को देखते हैं, तो बैक साइड से गाड़ी हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है माशाल्लाह। इस गाड़ी का जो भाई इंटीरियर बनाया ना, अल्टिमा ने अंत कर दिया हुआ है, बहुत फ्यूचर, फुल्ली ऑटोमेटिक फ्यूचर सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। खैर, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये गाड़ी और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मुझे तो खैर बहुत अमेजिंग गाड़ी लग रहा है, क्योंकि ये हाईब्रिड का मॉडल है और इसके अंदर इको सिस्टम ऑल्सो इंस्टॉल्ड है, ओरिजिनल कंपनी से आया हुआ है, मैंने नहीं कुछ भी लगाया इसके अंदर। खैर, गाड़ी जो है ना एक लग्जरी गाड़ी है, कितनी सीटें इसकी ज़बरदस्त है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जो गाड़ी की लुक और कंडीशन है वो भी आप लोगों के सामने है। एक लग्जरी गाड़ी आती है किया ऑप्टिमा का मॉडल, 2012 का है, और गाड़ी रन एंड ड्राइव है, और यहाँ पे ये स्टिकर भी लगा हुआ है रन एंड ड्राइव का, जो कि ये पीछे से ही आया, हम लोगों ने अभी इसको रिमूव कर देना। खैर, माशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो कि अमेरिकन इंपोर्टेड भी होंगी और जापानीज भी गाड़ियाँ जो ना वो आ रही हैं। आप लोगों को कौन सा गाड़ी चाहिए, कितना बजट में चाहिए, हर बजट में हर प्राइस रेंज में अभी नहीं भाई ना आप लोगों के लिए एडजस्ट करेगा कि जापानीज गाड़ियाँ भी आपको मिल जाएँ, और अमेरिकन गाड़ियाँ तो भाई फिर क्या ही बात है, सलाम है, क्योंकि अमेरिकन गाड़ियाँ मोस्ट स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल गाड़ियाँ होती हैं, और उनका जो इंटीरियर और उनका जो बॉडी का लोहा होता है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा होता है अमेरिकन गाड़ियों का। बहुत से लोग बोलते हैं अमेरिकन गाड़ी नहीं है, अमेरिकन क्यों नहीं भाई, क्योंकि अमेरिकन गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर, बहुत ज़्यादा सिस्टम आते हैं, इसलिए हम लोग उनको लाइक करते हैं।
आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। खैर माशाल्लाह गाड़ी में कुछ काम नहीं है, एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। और आप लोगों को मिलती है इंजन, गियर और चेसिस, तीन चीज़ की गारंटी मिलती है कोई भी गाड़ी अगर आप लोग मुझसे खरीद तो। आने वाले दिनों में और भी गाड़ियाँ आ रही हैं और हर तरह की गाड़ी मिलेगा। खैर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़रा प्राइस तो बताया नहीं गाड़ी का, जो मेन मुद्दा है ना वो तो भूल गया। खैर इस गाड़ी के अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो 2012 का किया ऑप्टिमा हाइब्रिड का मॉडल है और इसका जो प्राइस नहीं बनी रखा हुआ है 22,000 दिरहम में हाइब्रिड मिल रहा है आप लोगों को। खैर और क्या चाहिए, जिस भाई को चाहिए ना कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा। वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके दें। गाड़ी लेना ना लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी राय जरूर देनी चाहिए कि गाड़ी कैसा लगा। खैर आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।